सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको कॉर्न यानी मक्के को बीज से उगाने का बहुत ही आसान सा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसको उगाने का टाइम जो होता है मई से लेकर अगस्त तक का होता है। बारिश के मौसम में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और इनकी खेती इसी टाइम की जाती है। तो आप अगर इनको पॉट में लगाना चाहते हैं तो आपको इस तरह के कुछ सीड्स लेने होंगे जो कि आपको मार्केट में किसी भी शॉप पर आपको आसानी से मक्के के सीड्स मिल जाते हैं। तो ये मेरे हाथ में कुछ देसी मक्के के सीड्स हैं और इनको ही मैं आपको ग्रो करके दिखाने वाला हूँ। तो देसी मक्के के सीड और हाइब्रिड दो वैरायटी के मक्के होते हैं, तो आप इनमें से जो भी पसंद करते हैं उनको आप ग्रो कर सकते हैं। मक्के के सीड्स को उगाने के लिए जो हम सॉयल मिक्स लेंगे उसमें हमें 30% गोबर की खाद और 70% सॉयल वाला पॉटिंग मिक्स लेना है। इस तरह के सॉयल मिक्स में हमारी जो सब्जियां हैं और फ्रूट हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर गोबर की खाद का ही यूज़ करता हूँ। अब हम इसी पॉटिंग मिक्स में इस मक्के के दाने को ग्रो करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको इस मक्के के दाने को ग्रो करना है। तो मेरा ये जो पॉट का साइज़ है लगभग 13 से 14 इंच का है, तो मैं इसमें लगभग दो दानों को ही ग्रो करूँगा क्योंकि मक्के के जो प्लांट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप मिनिमम साइज़ में 14 इंच का पॉट लें और उसमें ही मक्के के दानों को ग्रो करें। आप एक या दो से ज़्यादा प्लांट को मत ग्रो करिए। सीड्स को गाड़ने के बाद हमें पॉट में अच्छे से पानी दे देना है। याद रहे कि पॉट से पानी अच्छे से निकल जाए, रुके ना। इसके लिए पॉट के बॉटम में अच्छे साइज़ का छेद होना चाहिए, लगभग 1 इंच का या 1.5 इंच का छेद होना चाहिए जिससे पानी अच्छे से निकल जाए। और अब हम इस पॉट को डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे जिससे हमारा जो सीड है वो अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। मक्के के सीड्स को लगाए आज 6 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे सीड से प्लांट ग्रो हो चुके हैं और काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। मक्के के सीड्स को लगाए आज पूरे 10 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमने 2 सीड्स को लगाया था और दोनों सीड्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। और उसमें से जो पहला सीड है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया और दूसरा सीड काफ़ी देरी से ग्रो किया, लेकिन वो भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो एक बार जब ये मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं तो इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ चलने लगती है और ये बहुत जल्दी ग्रो करने वाला प्लांट होता है। तो आपको लगभग 90 डेज़ बाद इस पे से फ्रूट हार्वेस्ट करने लायक मिल जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसको आप बहुत अच्छे से गमले में ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने इसके लिए बड़े साइज़ का ही पॉट लिया है और अगर आप 10 इंच का पॉट ले रहे हैं तो उसमें एक ही प्लांट को लगाइए, आपका प्लांट ग्रो ज़रूर करेगा, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। सीड्स को लगाए आज 12 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे जो दोनों प्लांट हैं उनकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर बारिश बहुत ज़्यादा लगातार हो रही है तो आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मक्के के प्लांट को बारिश का पानी बहुत ही अच्छा लगता है और ये उनमें बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको डायरेक्ट ही रखा हुआ है और इसकी मिट्टी भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नमी वाली है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है इसमें इसी तरह की मिट्टी में नमी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें लिबलिबापन नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा पॉट है उसमें मिट्टी आपको दिखाई दे रही है, तो बहुत ज़्यादा इसमें नमी है लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें जैसे पानी रुका हुआ नहीं आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से नमी बनी रहेगी तब भी हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। मक्के के प्लांट को सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो आप इनको डायरेक्ट सनलाइट में ही रखिए। मक्के को सीड से लगाए आज पूरे 15 दिन हो चुके हैं और हमारा प्लांट आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बढ़ रहा है ये प्लांट और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके एरिया में गिलहरी या छोटे ऐसे जानवर हैं जो इनको कुतर देते हैं तो उनसे आपको इनको बचाना होगा। उनसे बचाने के लिए आप छोटी मोटी नेट का यूज़ कर सकते हैं। और जब ये हमारा मक्के का प्लांट 1 महीने का हो जाएगा तब हम इसमें फिर से गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र देंगे। तो इसमें ऊपर से आपको जैसे थोड़ी सी गोबर दिखाई दे रही है गोबर की खाद, उसी तरह से आपको थोड़ी सी मात्रा में एक लेयर आपको इनके चारों ओर बिछा देना होगा और उसके बाद इसमें पानी देने से ये आपका प्लांट जो है और ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा, उसमें जो फ्रूट आएंगे वो अच्छे साइज़ के होंगे। तो ये था हमारा मक्के के प्लांट को सीड से ग्रो करने का वीडियो, मैं इसको फिर से अपडेट आपको देता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।